मैंने और राकेश जी ने आज चुना है मनक्सिया स्टील को। मनक्सिया पे हमारी खरीदारी की राय है और इसकी वजह यह है कि इस चार्ट को अगर आप देखें तो स्टॉक में हमें कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और एक बड़ा सॉलिड ब्रेकआउट आता हुआ इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर और इसको थोड़ा कूल ऑफ हो जाने के बाद नीचे के लेवल्स पर इसको अक्यूमुलेट करें तो हमें लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाने की ताकत रखता है। गिरावट में इसको खरीदारी करके चलने की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, 2 मार्च 2015 को मानक्सिया में डीमर्जर हुआ था, मानक्सिया स्टील और दो तीन कंपनीज और निकली थी, तो उस पिविट के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। और फंडामेंटली देखें तो डेट फ्री कंपनी मैटर्स में मिलते नहीं है। 43 रुपीज कैश पर शेयर है, 2% की डिविडेंड यील्ड, स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग है, री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है, 300 रुपए के टारगेट है, 8 से 9 महीने का नजरिया बनाना है, बट जैसे कुणाल जी ने बोला थोड़ा कूल ऑफ होने पर गिरावट में खरीदना है। और जिस तरीके से हमने सोम डिस्टिलरी को 180 के अराउंड रिकमेंड किया था, 260 क्रॉस कर चुका है, इस स्टॉक में भी फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, बट करेक्शन पे खरीदे फॉर अ टारगेट ऑफ 300 रुपीज। 300 रुपए 40 वाले का बंसल जी? नहीं अनिल जी, स्टॉक गलत फायर हो रहा है अनिल जी। मानक्सिया मेन मानक्सिया अनिल जी 170 वाला। 170 रुपए वाला, ओके, पूरा ना 170। मानक्सिया लिमिटेड, मानक्सिया लिमिटेड, नॉट स्टील। गिरावट में खरीदे, 300 रुपीज के टारगेट है। ओके परफेक्ट, तो ये है आपके लिए मानक्सिया लिमिटेड, यहाँ पर आए खरीदारी करने की।